हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार, तुम अगर अभी भी वो बंदे हो जो कि सीएसएस का कोड पूरा पूरा खुद से लिखता है एंड जो भी वेबसाइट होती है उसका यूआई वगैरह एक एक कंपोनेंट खुद से स्टाइल करता है, तो भाई तुम अभी बहुत पीछे हो, ठीक है। क्योंकि आज मैं ऐसी यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरीज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ ना, जिन्हें देखने के बाद तुम सीएसएस का कोड करना भूल ही जाओगे और आपको उन्हें यूज़ करना भी चाहिए, राइट। बिकॉज आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में तुम जितना टाइम सेव करोगे, जितना ऑप्टिमाइज कोड लिखोगे, उतना ही बेटर रहेगा, राइट। एंड जब तुम जॉब के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे भी तुम जितना ऑप्टिमाइज कोड लिखोगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी आज हम यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरीज़ की बात करने वाले ना, इनका यूज़ करके तुम काफ़ी इजीली और काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हो, वो भी बिना सीएसएस का कोड करे, बिना कोड करे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं जल्दी से और एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी बेस्ट यूआई लाइब्रेरीज हैं जिनसे तुम बिना कोड करे काफ़ी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो बिना अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है टेलविंड सीएसएस, माय पर्सनल फेवरेट। सो यार, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। टेलविंड सीएसएस नंबर वन पे है। इसके अंदर आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, आपको सिर्फ उन्हें कॉपी पेस्ट मारना है और आपका यूआई बनके तैयार हो जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल वगैरह कैसे करनी है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे आऊँगा नीचे, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि आपको कलर्स वगैरह सेट करने हैं तो आपको सारी शेड्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि कलर आपको जो भी सेट करना है। सपोज आपको ये कलर सेट करना है, सो इसका बस आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसका कोड कॉपी हो जाएगा, सीधे जाओ और यूज़ करो, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं अगर बॉक्स साइजिंग की बात करूँ तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको जो भी अप्लाई करना है ना अपने कोड के अंदर, वो सारा कोड आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सपोज आपको कंपोनेंट्स वगैरह करने हैं, क्रिएट फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है, तो उसका भी पूरा यहाँ पे कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है कि आपको फ्लेक्स बॉक्स कैसे कैसे यूज़ करना है, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। आप अगर सिर्फ जो क्लास है उसके अंदर डाल देते हो फ्लेक्स, तो आपके उस पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट पे फ्लेक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको यहाँ पे आना है, थोड़ा बहुत ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पे क्लास कौन कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे फॉन्ट सांस अगर आप लिखोगे तो आपका ये सारी फॉन्ट फैमिली ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यार, ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये तो मतलब आपको आनी ही चाहिए, ये तो आपको यूज़ करनी ही करनी है, बिकॉज इससे आपका कोड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, इससे आपका कोड बहुत ही बेटर ऑप्टिमाइज होता है एंड आपका लाइंस ऑफ कोड भी बहुत ज़्यादा बचता है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करना है। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है उसका नाम है नेक्स्ट यूआई, नेक्स्ट का नाम है नेक्स्ट यूआई, nextui.org। तो यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी है एंड यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, मैं आपके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एंड इसे आप मेनली काफ़ी यूज़ कर सकते हो, जब भी आप कोई नेक्स्ट जेएस बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करो ना, नेक्स्ट जेएस बेस्ड कोई वेबसाइट बनाओ, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, सो देखो यहाँ पे आपको अकॉर्डियन वगैरह आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स में, सो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, कोड पे क्लिक करना है, उसका कोड आपको मिल जाएगा सिंपल। सपोज मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगी। पहले यहाँ पे आपको इसे अपने कोड में इंपोर्ट कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल आपको इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है, डेट्स इट। अब आपको अगर इस टाइप की बटन करनी है क्रिएट, तो आपको इसके लिए कम से कम 10 से 15 लाइन का सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल भाई इसे कॉपी करना है एंड ख़त्म, डेट्स इट, ठीक है। इसी टाइप से आपके यहाँ पे अगर कार्ड्स बिल्ड करने हैं, इस टाइप का कार्ड करना है क्रिएट, ठीक है, और या फिर इस टाइप का करना है, ये कार्ड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको इस टाइप का कार्ड क्रिएट करना है, सिंपल कोड पे क्लिक करो एंड पूरा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पे आना है, इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है, डेट्स इट। सो इसी टाइप से ना यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको जो भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, इसे भी डेफिनेटली चेक करके देखना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एंड टॉप में भी आती है, एंड जिसका नाम है मटेरियल यूआई। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जिनसे कि आप बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स
बना सकते हो, बहुत ही अच्छा यूआई बना सकते हो। जैसे मैं अगर आइकन्स पे क्लिक करूँगा तो यार यहाँ पे आपको आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे इस टाइप के आइकन्स आपको अगर चाहिए तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और भी चीज़ें, अगर आपको कुछ ऐसा होम का वो चाहिए आइकन, सो बस आपको ये कोड कॉपी करना है। सिंगल लाइन कोड है भाई, सिंगल लाइन कोड कॉपी करना है एंड डेट सेट आपका यहाँ पे बन के तैयार। और इसी टाइप से मैं अगर आपको और दिखाऊँ यहाँ पे कार्ड से मैं अगर दिखाऊँ तो अगर आपको इस टाइप का कार्ड करना है क्रिएट, या फिर आपको इस टाइप का कार्ड करना है क्रिएट, इस टाइप के कार्ड्स आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो आपको सिंपल शो कोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इसका पूरा कोड मिल जाएगा भाई। कॉपी पेस्ट मारो और डेट सेट। वेब डेवलपमेंट में देखो कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो DSA तो वहाँ पे नहीं चलता कॉपी पेस्ट, लेकिन वेब डेवलपमेंट में खुल्लम खुल्ला कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। बस अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कोड कैसे काम कर रहा है, और आपको इतना आता हो कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो वो आप ईजिली कर पाओ, डेट सेट, ठीक है। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसे भी डेफिनेटली चेकआउट करना, ठीक है। देखो आपको अगर इस टाइप का मॉडल करना है क्रिएट तो वो भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हो, बस इतना सा ही कोड उसमें यूज़ होगा, डेट सेट, ठीक है। तो यार इसे भी चेकआउट करना, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है यार उसका नाम है चक्रा यूआई, नाम कितना अच्छा है ना। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है एंड इसको मैंने अभी तक आई थिंक सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, ठीक है। तो यार ये मुझको काफ़ी पसंद आई एंड इसे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। देखो इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं अगर कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँ, सो देखो यहाँ पे आपको अगर इस टाइप के अलर्ट वगैरह चाहिए ना तो यार ये आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ पे पूरा कोड मिल जाएगा, कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। इस टाइप के चाहिए तो यार ये भी ना काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसका यूआई एंड यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको बॉक्स वगैरह करना है क्रिएट तो बॉक्स का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सपोज आप अगर कोई होटल बुकिंग वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे इसी टाइप के कार्ड्स होते हैं, राइट। वहाँ पे एक फ़ोटो होती है और यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे लिखा होता है कितने बेड्स हैं, क्या है, एंड उसका नेम होता है एंड उसकी प्राइस होती है एंड रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई सिंपल कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, डेट सेट। एंड फिर आपको अगर कुछ जो भी चेंजेस करने अपने बेस्ड वो आप कर सकते हो। तो इसे भी प्लीज़ डेफिनेटली चेकआउट करना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सच में पसंद आएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ और मैं सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो आप जाके चेक आउट कर लेना, ठीक है। तो यार अब हम आते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूआई लाइब्रेरी पे, जो कि जिसका नाम है फ्रेमर मोशन एंड ये स्पेसिफिक एनिमेशंस के लिए है, ठीक है। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छे अच्छे एनिमेशंस वगैरह ऐड करने हैं ना तो आपको ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे एंड आपको अगर इनका कोड चाहिए तो सिंपल क्लिक करो, कॉपी करो एंड यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको ये देखो ये अगर आपको कुछ ऐसा फीचर चाहिए तो आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कोड एंड यहाँ पे आपको इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी है वेबसाइट एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। और जैसे अगर आपको कार्ड्स करने हैं क्रिएट इस टाइप के तो यार ये भी आप कर सकते हो, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो पीछे वाले कार्ड्स हैं ना देख रहे हो तो वो कितने मतलब वो ब्लर टाइप हो रहे हैं, ठीक है। और ये कितना थोड़ा निखर करके आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, राइट। तो अगर आपको ऐसा फीचर अगर आप कोड करके बिल्ड करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कोड है, बस इतना सा ही कोड है, इसे कॉपी करना है एंड यूज़ करना है एंड आप इस टाइप की फीचर्स अपनी वेबसाइट में डाल सकते। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी है वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो और इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ जो कि है रेडिक्स यूआई, ठीक है। एंड ये अभी तक मैंने सिर्फ आइकन्स के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो यार इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स के साथ साथ आइकन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो भी आइकन यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर आप वो यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल क्लिक करना है इस पर एंड इसका कोड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको अगर इसे डाउनलोड भी करना है एज अ इमेज सो यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। सो आपको इसे जैसी भी यूज़ करना है आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल जो भी आइकन यूज़ करना है सिंपल उस पर क्लिक करो एंड उसका कोड कॉपी हो जाएगा एंड जाके आप अपनी कोड में पेस्ट करो एंड उसे यूज़ कर लो, डेट्स इजी, ठीक है।
तो मैं अगर फिर से आऊँगा इस पर वापस, सो इन मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे भी आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे अगर आपको अवतार्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अवतार भी पूरे बने बनाए मिल जाएंगे। सिंपल आपको कोड इसका यूज़ करना है, एंड आपको अगर इमेज चेंज करनी है तो ये जो SRC की लिंक है इसकी जगह आपको अपनी लिंक डालनी है, या फिर अपनी जो भी इमेज है वो लगानी है, एंड आपका अवतार बनके है रेडी, ठीक है। देखो इस टाइप का अवतार कितना अच्छा लग रहा है देखने में, राइट। सो यार इससे ना मतलब आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, एंड आपको CSS का कोड भी नहीं करना पड़ेगा। तो यार इसे भी डेफिनेटली चेक करना, ठीक है, ये भी मेरे को काफ़ी पसंद आई। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट UI लाइब्रेरी की तरफ, जिसका नाम है SedCNUI, ठीक है। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी UI है, ठीक है, एंड यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे बने बनाए, जिन्हें आपको सिंपल अपनी वेबसाइट में कॉपी पेस्ट मारना है एंड यूज़ करना है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, सो आपको बस उन्हें सिंपल यूज़ करना है, यहाँ से कॉपी करना है एंड यूज़ करना है। सो आपको बार बार बहुत सारा कोड लिखने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पे आके एक बार अपने आप से चेक करना, आपके यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मैं इनकी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके डेफिनेटली चेक करना, एंड आपका अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो या डेट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। थैंक्स।